हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे और आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के आवास पर और कार शोरूम और दिल्ली स्थित ठिकानों पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। लगभग 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारी उनके हिसार सेक्टर 15 स्थित आवास पर डटे हुए हैं। पुलिस के जवान मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आवास के मुख्य गेट को आवाजाही के लिए लगातार 3 दिनों से बंद कर रखा है। किसी भी तरीके से आवाजाही को बंद करते हुए सिर्फ आवश्यक वस्तु ही सप्लाई की जा सकती है, जिसमें खाने पीने के सामान और दूध शामिल है। कुछ ही देर पहले मोटरसाइकिल पर सवार एक दूध वाला मकान में दूध देने पहुंचा, जिसे परिसर के अंदर तक जाने की अनुमति सुरक्षा कर्मियों द्वारा दी गई। इसके अलावा भी सब्जियां इत्यादि की आवाजाही पर रोक नहीं है। बाहर कार्यकर्ताओं की टकटकी लगाए हालात पर मंथन करते नजर आ रहे हैं। हिसार में उनके आवास के बाहर समर्थक भी जुटे हुए हैं। अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि टीम घर की छत पर रखी टंकियों से लेकर पार्क और मेन हॉल तक खंगाल चुकी है। टीम मंगलवार सुबह 8 बजे से ठिकानों की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग के विधायक के दिल्ली में डायमंड कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग के से जुटे इनपुट भी मिले थे। अधिकारियों को इससे संबंधित साक्ष्य विधायक के ठिकानों पर छिपाने की सूचना थी। छापेमारी के दौरान ही अधिकारियों ने भव्य से उन कारोबारियों के बारे में भी पता किया जो परिवार के कारोबार में साथ थे। बताया जा रहा है कि भव्य से 150 से अधिक सवाल जवाब किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने कुलदीप की कोठी के रास्ते पर बैरिकेडिंग भी लगा दिए। जब हमारे संवाददाता ने आज कार्यकर्ताओं से इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो सभी ने एक सुर में जवाब दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की पत्नी जस्मा देवी, जो पूर्व में विधायक भी रह चुकी हैं, उनकी उम्र 85 साल के आसपास है, उन्हें भी अंदर जांच अधिकारियों ने जबरदस्ती रोक रखा है। कार्यकर्ताओं ने दुख जताते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया एक अलग मामला है, लेकिन एक बुजुर्ग महिला को इस तरीके से रोक रखना उनके महिला और मानवाधिकारों का हनन करना है। कार्यकर्ताओं ने मीडिया से भी अपील करते हुए कहा कि यह मामला महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आना चाहिए। आइए देखते हैं कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास पर इनकम टैक्स रेट पर कार्यकर्ताओं का रिएक्शन। ये लगातार 60 घंटे से ज्यादा का घटनाक्रम हो गया है, इस पे क्या आपका नजरिया? इसमें नजरिया क्या, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले अभी सारे इकट्ठे हुए, पूछे इनसे, SHO साहब भी आए थे, उनको भी किया हमने कि कम से कम हमारे को माता जी की एक बार भवे जी की शक्ल दिखाओ, हमारे को क्या कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन उसे SHO ने हाथ जोड़ दिए, कहना जी मेरे बस का नहीं है, ये तो SP से बात करो, मेरे बस का है नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो भी हाथ जोड़ गया, जिससे भी बात करते हैं वो कोई बात नहीं हमारी सुनता। लेकिन इतने घंटे हो गए हैं अब तक पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, ना तो कोई बाहर दिखाई दे रहा है, ना कोई बात, ना लेन ना देन, खाम खा धक्का करके है। जो सरकार की सारी चाल है बिल्कुल अच्छी, सभी का हमारा नेता है चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को वहीं बिठा रखा है, रेणुका जी को बिठा रखा है, यहाँ माता जी 85-90 साल की माता है जस्मा जी, उसको अंदर ही कैद उसको कर रखा है। क्या कसूर है उसको, वो क्या डाके मार रही है, कोई काम कर रही है? तो इन्हें क्या कराया क्या, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, उससे भी इन्हें कुछ कराया ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो ये कराया भी है तो आज 3 दिन हो गए हैं, क्या और ले आके जहाँ JCP ले आके पाड़ेंगे, कोठी को तोड़ के इनको पता लगेगा कि इसमें क्या दबा हुआ है। इनको अब दे जो इनके हाथ आना था वो आ गया, जो देखना देख लिया है, अब तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, ना किसी की सुनाई कर रहे हैं, कोई सुनते ही नहीं है, कोई बात करते हैं आगे, ना आगे जान देते हैं किसी को, बाथरूम तक नहीं जान देते किसी को, बहुत बुरे हाल कर रखे हैं। जहाँ इतने ये लेडी और भी फिर इनसे भी बातें करी है, ये भी कह रही है बहुत गलत है, हमारे साथ जहाँ घूमती थी माता जी 85-90 साल के, कम से कम उसको तो बाहर कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये BJP सारा दबाव की राजनीति कर रही है। ये बड़े लेवल पे हमारे कुलदीप जी ईमानदार नेता है, अच्छी छवि के नेता है, और BJP को पता है कि पब्लिक इनके साथ है, तो इस दबाव में लेना चाहती है, न हमारे नेता झुकेंगे और न कोई दबाव में आएंगे और न इनको कुछ मिलने वाला है इसमें। आज नहीं, 2 बार पहले भी चोई भजनलाल परिवार इस दौर से गुजर चुका है, इस सारी इससे तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला इनको। और 80-85 साल की जो माता जस्मा देवी है वो अंदर है 3 दिन से, उनको दवाइयाँ खाना पीना टाइम पे पब्लिक उनसे मिलती है, तो अब 3 दिन हो गए ना किसी से मिलना दे रहे ना, और जैसे कालो साहब ने बताया उस हिसाब से गलत कार्रवाई कर रही है BJP गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेके विदेशों में जाके बैठ गए, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं, कोई और नहीं, और इनको नाजायज तंग किया जा रहा है, ये दबाव की राजनीति के BJP की सरासर गलत है। नहीं, मसले को लेकर के आपका रुख,
मैं तो पत्रकार भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो माता जी है 90 साल की, हिंदुस्तान का जो महिला आयोग है उन तक आपका जो कल के अखबार है उनके अंदर मीडिया के अंदर पहला सवाल ये आना चाहिए कि एक 90 साल की महिला पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी की धर्मपत्नी है, 3 दिन से चलो इनकम टैक्स के छापे हैं, ये तो पढ़ते आए हैं पढ़ते रहेंगे, सदा ही सरकारें आती है जाती है, लेकिन ये जो इस तरह की बात है, माता जी है अंदर वो बीमार है, उसको कोई गोली दवाई कोई कुछ निकल गोली मंगवाई थी, तो ये महिला आयोग को आप ये बात ज़रूर पहुंचाने का कष्ट करें दिल्ली। मेरी आपसे पत्रकार भाइयों से यही प्रार्थना है, और पत्रकार ये एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान का जो ये पतन होने लग रहा है इसका उत्थान सिर्फ मीडिया ही कर सकती है। ये हमारी माता जी की जो खबर है कल पत्राचार के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मेन फ्रंट पे आनी चाहिए, एक 90 साल की पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है जसमा देवी, तो ये महिला आयोग को आप ज़रूर ये सूचित करें। आपका रिएक्शन? मेरा रिएक्शन तो यही है कि हमारी माता जी 90 साल की वंदर है, आज 4 दिन से पता नहीं उनको खाना मिला है नहीं मिला, दवाई मिली है नहीं मिली है, ये महिला अधिकारों का उल्लंघन है। महिला राष्ट्रीय महिला आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। एक छोटा बच्चा माता जी की मेड सर्वेंट का है, वो स्कूल गोइंग बच्चा है 15 साल का, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसको बाहर आने जाने में रोड में बड़ी भारी परेशानी होती है। आज स्कूल जाने के लिए तो इन्होंने अलाउ किया था, ले हमने ये सुबह भी बात उठाई थी, तो न तो माता जी के दर्शन करवा रहे हैं न कहीं और है। तो आप मीडिया बंधुओं से हमारा ये निवेदन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ये आप ज़रूर हमारी तरफ से हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी ऐसा ये इनके ऊपर है ना पूरा प्रकाश डालिए, और ये अधिकारों के हनन की जो बात है रेडे एक अलग बात है, राष्ट्रीय मानवाधिकार को और इनको महिला आयोग को इनके माता जी के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उस पर संज्ञान लेना चाहिए। न्यूज़ ये भी फ्लैश हुई थी कि कहीं ना कहीं कुछ ज्वेलरी मिली है और कुछ सोना मिला है, वो तो अंदर की बात है जी, वो हम इसके बारे में कुछ नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कोई बताए रहे नहीं। सत्री धन जो है ना सोना, ये तो हमारे समाज में स्त्री का धन है, ये ये तो स्त्री धन में आता है, हाँ नहीं अच्छा कितना ही हो स्त्री का धन है वो, हमारे परंपरा रही है अनादि काल से, ये सोना चांदी है जो हमारी बहनें हैं माताएं हैं दादी है। आप राजस्थान में जाइए खिचड़ी गांव है, वहाँ औरतों के 125 किला सोना है, ये तो स्त्री धन में आता है, ये स्त्री धन के अंदर तो कोई कुछ होने वाला ही नहीं। राजस्थान के अंदर चांदी है, सोना है, हरियाणा के अंदर, पंजाब में, ये तो हमारे अनादि काल से परंपरा रही है हमारे बुजुर्गों की, ये तो किसी टाइम अगर आपातकालीन कोई बात हो जाए तो सोना एक ऐसी चीज़ है जो रात को किसी भी काम आ सकता है, ये तो इसमें तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ये तो अनादि काल से चला रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।